हेलो दोस्तों, पूरब खमकर द टेक्निकल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो मशीन देखने वाले हैं, इसकी कम्प्लीटली डेमो वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इस वीडियो के एंड में भी वो वीडियो आपको दिख जाएगी। इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में मैं आपको मैन्युअली मशीन को कैसे सेट करें वो बताने वाला हूँ, मतलब मशीन में टाइम कैसे सेट करें, वॉश टाइम, ओनली कपड़े सुखाना है तो वो कैसे करें, वाटर लेवल कैसे लगाएं, कौन से फंक्शन में कितना टाइम होता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए डेमो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पावर ऑन करना है। पावर ऑन करने के बाद हम पहले वाटर लेवल सेट कर लेते हैं ताकि हमें टाइम सामने दिखता रहे। हम सबसे लो वाटर लेवल सेट कर लेते हैं जो लाइट एक होता है। ओके, तो हमें अभी टाइम भी दिखेगा, यहाँ आप देख सकते हैं 43 मिनट्स नॉर्मल पे दिख रहे हैं। जो बटन मैं प्रेस कर रहा हूँ ये वाला वॉश टाइम के लिए होता है। यहाँ से आप लाइट चेंज करके टाइम कम ज़्यादा कर सकते हो कपड़े धोने के लिए, सिर्फ धोने के लिए। सेकंड वाला ऑप्शन है रिंस वाला। रिंस मतलब कपड़े खंगालने के लिए। तो कितने बार कपड़े खंगालना है पानी में वो साइकिल आप यहाँ से सेट कर सकते हो। और लास्ट वाला है स्पिन का, ये वाला। तो यहाँ से कपड़े कितने टाइम सुखाना है वो टाइम आप यहाँ से लगा सकते हो। ये अभी हमने टोटल वाटर लेवल, वॉश टाइम, रिंस टाइम और स्पिन टाइम, ये चारों हमने सबसे लो पर लगाया हुआ है और यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे। तो जो 43 मिनट्स का पहले टाइम था वो वहाँ पर अभी 31 मिनट्स लगा हुआ है, मतलब यहाँ से हम टाइम कम ज़्यादा कर सकते हैं वाटर लेवल, वॉश टाइम वगैरह इन चीज़ों से। यह स्पिन का बटन है। अगर आपको कपड़े सिर्फ ड्राई करने हैं तो इसको 5 सेकंड दबा के रखिए। तो देखिए अभी दो लाइट बंद हो गए, वॉश और रिंस का लाइट यहाँ से बंद हो चुके हैं और सिर्फ सिंगल लाइट ही लगा हुआ है ये वाला, और 40 मिनट्स लगे हुए। तो 14 मिनट से सिर्फ कपड़े ड्राई हो गए और यहाँ से ही आप टाइम भी कम ज़्यादा कर सकते हो। मिनिमम 11 मिनट होते हैं और मैक्सिमम 24 मिनट होते हैं। और अगर आपको 15 मिनट डायरेक्टली ऐड करने तो आप मानसून के बटन से 15 या 30 मिनट भी स्पिन टाइम बढ़ा सकते हो। यहाँ पर दिया हुआ है मानसून, मतलब बरसात के दिनों में कपड़े ज़्यादा देर तक सुखाने के लिए। स्पिन टाइम बढ़ाने के लिए ही मानसून का बटन होता है। अगर आप स्पिन के बटन से चेंज करते हो तो 2-2 मिनट बढ़ेंगे और मानसून से बढ़ाते हो तो 15 मिनट बढ़ेंगे। ये वॉश टाइम अगर आप 5 सेकंड दबा के रखते हो तो सिर्फ वॉश का ही लाइट लगेगा, बाकी के दो लाइट बंद हो जाएंगे, मतलब कपड़े सिर्फ धोना होगा, इसमें कपड़े सुखाएगा नहीं। और वॉश के साथ में अगर आपको रिंस होना है तो आप रिंस का एक बार दबाइए। तो देखिए वॉश और रिंस ये दोनों ही ऑप्शन चालू हुए, स्पिन का नहीं हुआ है। अगर आपको वॉश के साथ में स्पिन चलाना है तो आप देखिए वॉश और स्पिन ये दोनों ही चले, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जो भी बटन 5 सेकंड दबा के रखते हो उतना ही काम मशीन करेगी और उसके साथ में जो भी आप बटन प्रेस करते हो वो साथ में चलेगा। अभी रिंस टाइम चलाना है हमें और स्पिन टाइम उसके साथ में चलाना है, तो रिंस और स्पिन ये दोनों ही चले गए, वॉश बंद हो गया। अभी वॉश भी हमने शुरू कर दिया है और अगर तीनों लगाना है तो आप तीनों भी लगा सकते हो और यहाँ से स्टार्ट कर देना। जो भी आप सेटिंग करते हो उसके बाद में आपको स्टार्ट करना होता है, ध्यान में रखिए जो भी आप सेटिंग करते हो स्टार्ट करने के पहले करना है और सेटिंग होने के बाद में फिर स्टार्ट करना है। चलिए हम अभी वॉश रेन स्पिन पे कितना टाइम होता है कितने लाइट पे वो चेक कर लेते हैं। हम सबसे पहले लो वाटर लेवल लगा लेंगे ताकि हमें टाइम दिखेगा। अभी हम वॉश का टाइम है, इसको 5 सेकंड दबा के रखा तो सिंगल वॉश टाइम ही चालू होगा। तो अभी देखिए आप एक लाइट मतलब 9 मिनट हुए, दो लाइट मतलब 15 मिनट हुए, तो आप लाइट के इंडिकेटर पर समझ सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा एक एक लाइट पर। तो आप यहाँ से वॉश टाइम चेंज कर सकते हो कपड़े धोने के लिए। अगर आप रिंस बटन 5 सेकंड दबा के रखते हो तो वॉश टाइम बंद हो जाएगा और ओनली रिंस ही चालू होगा। तो एक लाइट पे 7 मिनट, दो लाइट पे 19 मिनट, तीन लाइट पे 32 मिनट, इस तरह से इसके इंडिकेटर पर भी आपको टाइम
समझ में आएगा। अगर आप रेंस सॉरी स्पिन बटन दबा के रखते हो तो रेंस बंद हो जाएगा और स्पिन का ही आपको टाइम दिखेगा। देखिए आप एक मिनट, एक लाइट पे होता है 11 मिनट, दो लाइट पे 12 मिनट, तीन पे 14 मिनट, 16 और 24 मिनट। इस तरह से स्पिन टाइम कम ज़्यादा कर सकते हो। और अगर आपको डायरेक्ट 15 मिनट और ऐड करने या 30 मिनट तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो ये होता है कितने इंडिकेटर पे कितने टाइम होते हैं वो मैंने आपको बताए हुए हैं। यहाँ पर स्मार्ट थिंग्स और डाउनलोड ऐसे दो ऑप्शन है। ये दोनों पर भी मैं एक जल्दी ही वीडियो बनाने वाला हूँ। मतलब आप आपकी मशीन स्मार्ट कंट्रोल से मोबाइल के ऐप से कंट्रोल कर सकते हो, इसमें सेलेक्ट कर सकते हो फंक्शन वगैरह सारी चीज़ें। अब हम देखते हैं ये जो साइकिल है इनमें कितना टाइम लगता है। तो पहले हम सबसे पहले वाटर लेवल सेट कर लेते हैं, जो कम से कम वाटर लेवल है। तो ये नॉर्मल पे होता है 43 मिनट्स, क्विक वॉश पे होता है 34, डेलिकेट्स पे 37, बेडिंग पे 123, बेबी केयर, जींस, इन सब का आप टाइम यहाँ देख सकते हो। ये कम से कम टाइम होता है, मतलब इतना टाइम कम से कम लगेगा ये वाली साइकिल पे, क्योंकि वाटर लेवल हमने लो लगाया हुआ है। जैसे वाटर लेवल बढ़ेगा यहाँ से टाइम बढ़ेगा, और टाइम डिपेंड करता है मतलब इतने टाइम में आपकी मशीन बंद होगी, ये आपके वाटर लेवल पे या वाटर प्रेशर पे डिपेंड करता है। जितना प्रेशर ज़्यादा होगा पानी में उतना ही जल्दी मशीन बंद होगी, या फिर अगर प्रेशर लो रहा तो टाइम ज़्यादा लग सकता है। पानी का प्रेशर हमेशा बढ़ाए रखें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जल्द ही मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जो स्मार्ट कंट्रोल पे होने वाली है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।